हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों? फिर से एक बार आपका अपने चैनल टोटल में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है। और दोस्तों, आज ही हम जानेंगे कि कोर्ट का क्या दिशा निर्देश है, क्या चीज़ें हैं जिससे सबको दो दो अंक मिलने चाहिए, यानी दो अंक उनको मिलने चाहिए जिन प्रश्नों के दो आंसर दिए गए हैं। मान लीजिए किसी प्रश्न के दो आंसर सही हैं और मैंने तीसरा और चौथा लगा दिया, तो उनको भी समान अंक मिलने चाहिए। ऐसा दिशा निर्देश जो है आयोग ने अपनी जो आंसर शीट है उसके ऊपर भी दिया हुआ है, और जो हाई कोर्ट का इलाहाबाद हाई कोर्ट माननीय सॉरी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है उसमें भी ये कहा गया है। तो हम दोनों चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। तो पहले मैं एक लेटर दिखाता हूँ जो आप जैसे किसी अभ्यर्थी ने लिखा हुआ है, और मैंने उनका नाम वगैरह हाइड कर दिया है क्योंकि हम वो नहीं दिखा सकते आपको। देखिए, लेटर लिखा है सेवा में परीक्षा नियामक प्राधिकारी को लिखा गया है। विषय टीटी 2018 की संशोधित उत्तर कुंजिका में दिए गए दो बहुविकल्पीय प्रश्न के दो दो उत्तर देने पर उसे रद्द कर सभी को समान अंक देने के संदर्भ में, यानी कॉमन नंबर देने की बात कर रहे हैं कि अगर दो एक से ज़्यादा जब आंसर होगा किसी क्वेश्चन का तो उसमें सबको कॉमन अंक दिए जाएंगे। ठीक है, उन्होंने अपना लिखा है मैं कौन हूँ। टीडी 2018 की जो संशोधित उत्तर कुंजी आयोग के द्वारा दी गई है उसमें दो प्रश्न ऐसे हैं जिनके दो दो उत्तर बताए गए हैं, दो से ज़्यादा हैं वैसे, ठीक है ना। इन्होंने मैथ्स वगैरह, इन्होंने जूनियर वगैरह का उल्लेख नहीं किया है, जबकि आपके द्वारा दी गई प्रश्न पुस्तिका के निर्देश नंबर 3, ये आप ध्यान से देखें, मैं दिखाता भी हूँ, दिया गया है कि एक से अधिक उत्तर देने की दिशा में प्रश्न का उत्तर को गलत माना जाएगा, जबकि संशोधित उत्तर कुंजिका में आपने स्वयं दो प्रश्नों के दो उत्तर माने हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आयोग ने खुद ही कहाँ इस चीज़ को स्वीकार किया। ये देखें आप जो अंडरलाइन किया गया है, ये कह रहे हैं, अब ध्यान से पढ़ें, एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा एवं उसे जांचा नहीं जाएगा। ये आपके पास बुकलेट पड़ी होगी, आप खुद भी देख सकते हैं तीसरा नंबर है वहाँ पे क्या लिखा गया है, क्योंकि आप कुछ मित्र हैं जो बोलते हैं कि सनसनीखेज न्यूज़ बनाने के लिए आप ऐसा कर रहे हो, आप लोग ऐसा कर रहे हो। कल भी जो हमने आपको न्यूज़ दी थी ये प्रश्न पर जा रहे हैं कोर्ट, आज वो पेपर में लगा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है, ना हम कुछ ऐसा चाहते हैं, हमारा केवल है आपके पास सूचना पहुँचाना। तो हमारी जो कल हमने न्यूज़ दी थी वो आज आपको देखने को मिलेगी, सारे अखबारों में लगे हुए। अखबार भी इंसानी काम करता है, कोई रोबोट काम नहीं करता उसमें। खैर, तो ये देख लें, यहाँ पे खुद लिखा हुआ है कि एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर गलत माना जाएगा एवं उसे जांचा नहीं जाएगा, यानी कि अगर आपने एक से दो को इस पर टिक कर दिया तो नहीं जाएगा। सवाल ये है कि मान लीजिए मैं अभ्यर्थी हूँ, मुझे दोनों आंसर पता थे, अगर मैं क्या दोनों को कलर कर देता तो ये जांचा जाता, नहीं जाता, इनवैलिड कर देते ये। जो ऐसी दशा में कैसे जो है ये दो आंसर को सही मान रहे हैं, यानी ये खुद जो है अपनी जाल में फंस चुके हैं जो इन्होंने तीन नंबर पर दिया है। अपनी प्रश्न पुस्तिका खोलें वहाँ पे, सॉरी उत्तर पुस्तिका खोलें और वहाँ पे देखें ये लिखा हुआ होगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये रही, आगे आते हैं लेटर पे हम, और लेटर में क्या है। ठीक है, कुंजिका में आपने स्वयं दो प्रश्न को दो उत्तर माने, ये हो गया। ऐसी स्थिति में आप इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच के का माधवेश कुमारी तिवारी की याचिका पर न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा का फैसला देख सकते हैं, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर सबको समान अंक दिए जाते हैं। प्रार्थी वाद को कोर्ट में नहीं ले जाना चाहता है क्योंकि न्यायमूर्ति को फैसला पहले स्पष्ट है, यानी एक केस है, मैं दिखाता हूँ, केस भी है मेरे पास, मैंने बहुत मेहनत करके केस निकाली है। वो जो माधवेश कुमार तिवारी वर्सेज उत्तर प्रदेश स्टेट लगी हुई केस है, सॉरी क्या बोलते हैं आप, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसके अगेंस्ट में केस लगी हुई है, इस पर न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा का फैसला है, मैं उसको भी दिखाता हूँ, उसमें भी यही बात कहा गया है। और ये देखें संलग्न भी किया है, आप लिख रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा का फैसला की प्रतिलिपि, यानी इन्होंने अपने साथ अटैच भी किया। मैं भी दिखाता हूँ आपको, मेरे पास भी पड़ी हुई है प्रतिलिपि, ये प्रतिलिपि है, और आप देख रहे हैं माधवेश कुमार तिवारी जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया वो एक केस है, उसमें भी जो ये बात कर रहे हैं सही कह रहे हैं, वहाँ भी ऐसी कंडीशन में क्या है सबको समान अंक देने की बात कही गई। आप भी ये केस निकाल सकते हैं, मैंने कहीं से मंगवाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, यानी कह रहे हैं मतलब ये है कि जिन विद्यार्थियों ने उनको जो बाकी दो क्वेश्चन बनते हैं उनके भी सबको समान अंक मिलने चाहिए, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं, आपने देख लिया वहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी कोर्ट का डिसीजन भी जो है इन्होंने खुद ही मेंशन किया हुआ है, आपके पास भी लेटर आ गया होगा तो आप इसको देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सबको दो दो अंक मिलने चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, नए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और सुपर टेट के लिए आप हमारे साथ बन सकते हैं क्योंकि हम आपके लिए SST रीजनिंग हिंदी ये सब के लिए एक बैच शुरू कर रहे हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अंतर देखने को बहुत